निश्चित ही हमारे बीच से एक ऐसे धनी व्यक्ति जिनकी सोच, जिनका विचार, जिनकी लगन सिर्फ सेवा के क्षेत्र में लगी रहती थी, उनका अचानक हमारे बीच से यूँ चले जाना निश्चित ही हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है जिसकी भरपाई होना संभव नहीं है। शनिवार को मां नर्मदा के नाभि स्थल नेमावर में उनकी अस्थियों को साहू समाज निर्माणाधीन धर्मशाला एवं श्री कृष्ण कर्मा मंदिर परिसर में रखा गया, जहां उनके चित्र पर एवं अस्थियों पर समाजजनों, परिजनों और अतिथियों ने रामचंद्र साहू को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। खातेगांव से प्रदीप साहू की रिपोर्ट।